Today I am going to tell you about one of the most important festival of India, Dashehra. Our country India is full of diversity. It is known as the land of festivals and celebrations. Different festivals are celebrated in different parts of our country. One such festival is Dashehra. It is celebrated just after Navratri. It is celebrated with great enthusiasm throughout our nation. It is also known as Vijaya Dashami. Vijaya means Vijay or win, and Dashami means the 10th lunar day. Dashehra is celebrated to mark the win of Lord Rama over Ravana. The message that Dashehra gives us is the victory of good over evil and the success of truth over lies. The story behind Dashehra is also very interesting. Want to know about it? My friends are going to present the story of Dashehra in front of you. और आज मैं आपको महिषासुर मर्दिनी की कहानी सुनाने वाली हूँ। पर कहानी आरंभ करने से पूर्व हम दुर्गा माँ की प्रार्थना सुन लेते हैं। सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो चलिए अब हम कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक राक्षस था महिषासुर, जिसका मतलब जंगली भैंस है। बलशाली होने के साथ उसे तीनों लोक पर कब्जा करना था, इसलिए उसने ब्रह्मदेव की तपस्या की। उसने बहुत वर्षों तक तपस्या की। एक दिन ब्रह्मदेव धरती पर आ प्रकट हुए। उन्होंने महिषासुर से पूछा, बोलो महिषासुर, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तभी महिषासुर ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना ही कोई मनुष्य और ना ही कोई देव मुझे मार सके। तभी ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर चले गए। वरदान पाकर महिषासुर बहुत खुश था। उसने धरती पर प्रलय मचा दिया था। सभी देव चिंतित हो गए। इसीलिए विष्णु जी ने कहा, अगर कोई देव, कोई दानव या कोई पशु पक्षी महिषासुर को मार नहीं सकता तो क्या हुआ? एक स्त्री तो मार सकती है ना। तो तभी उन्होंने एक आदि शक्ति को जन्म दिया। इस आदि शक्ति का नाम दुर्गा माँ था। उन्होंने दुर्गा माँ को सभी शस्त्र दिए और शेर की सवारी भी दी। महिषासुर भी लड़ने के लिए तैयार था उसकी सेना के साथ। सेना ने दुर्गा माँ पर हमला किया, पर सभी सेना मारी गई। महिषासुर ने भी कई रूपों में देवी माँ को मारने का प्रयास किया, किंतु नहीं मार सका। 9 दिन लड़ाई के पश्चात 10वें दिन पर दुर्गा माँ ने महिषासुर को मार दिया। इस दिन विजयलक्ष्मी भी मनाई जाती है। धन्यवाद। Thank you.
सत्य की जीत हो, अधर्म पर धर्म की जीत हो, अन्याय पर न्याय की जीत हो और बुराई पर अच्छाई की जीत हो। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शार्वी जंजरवाड़ है और मैं 7वीं अ कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हम आपके सामने एक दशहरा का विशेष वीडियो पेश करने वाले हैं, तो फिर चलो शुरू करते हैं। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। हमारे देश में दशहरा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे दो कहानियां हैं। सबसे पहली कहानी है कि देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था, और दूसरी कहानी कहती है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। तो आज मैं आपको दूसरी कहानी के बारे में बताने वाली हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस त्यौहार का नाम दशहरा इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान राम ने 10 सिर वाले रावण का वध किया था। तभी से 10 सिरों वाले रावण के पुतले को हर साल दशहरे के दिन इस प्रतीक के रूप में जलाया जाता है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में वनवास के लिए निकले थे। एक दिन सीता ने एक सुनहरा हिरण देखा और तुरंत राम को उसे पकड़ने के लिए कहा। पर वह हिरण एक मायावी राक्षस था जिसने राम और लक्ष्मण को सीता को अकेले छोड़ने के लिए सोंग रचाया था। जब राम और लक्ष्मण उस मायावी राक्षस यानी हिरण के पीछे गए, तभी इधर रावण एक साधु के रूप में सीता के पास आया और भिक्षा मांगने लगा। उसने सीता का अपहरण किया और उसे लंका ले गया। राम सीता की खोज में वानरों की सेना लेकर निकल गए। हनुमान जी को सीता मैया अशोक वृंदावन में मिली। वानरों की सेना लेकर राम लंका पहुंचे और फिर क्या, आप सभी जानते हैं, एक युद्ध शुरू हुआ। रावण को किसी साधारण शस्त्र से नहीं हराया जा सकता था, इसीलिए राम ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की। देवी दुर्गा ने राम को एक शस्त्र दिया जिससे राम ने रावण का वध किया और सीता को बचाया। तो इसीलिए हम दशहरे पर 10 सिरों वाले रावण का वध करते हैं, उसे जलाते हैं, ताकि हमारे अंदर के क्रोध, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय एवं अहंकार को नष्ट किया जा सकता है। तो यहीं पर मैं मेरी कहानी समाप्त करती हूँ, और जाते जाते आप सभी को फिर एक बार दशहरे के बहुत 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 सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।